गुड मॉर्निंग, हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आप सभी का महिंद्रा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। और हर दिन की तरह आज भी मैं लेकर के आई हूँ आपके लिए लॉट्स ऑफ करंट अफेयर्स एंड एमसीक्यूज। ओके, एंड सबसे पहले मैं देख लेती हूँ हमारे कौन कौन से स्टूडेंट चैट बॉक्स में एक्टिव हैं। तो मैं देख रही हूँ काफ़ी मॉर्निंग से जो है वो संजय कुमार जी हैं एंड मोहित जी हैं, अभिनव जी हैं, नदीम जी हैं। ओके, तो सुनीता गौतम, ठीक है। तो सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। एंड क्या कीजिए, क्लास के लिंक शेयर कीजिए जितने भी हमारे स्टूडेंट चैट बॉक्स में एक्टिव हैं। तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू शेयर द लिंक। चलिए तब तक हम देख लेते हैं हमारी जो अपकमिंग बैचेस हैं या हमारी जो कुछ नई बैचेस आ रही हैं लाइव, ठीक है, उनके बारे में। तो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो यूपी SSSC के बारे में, है ना, अगर चलिए सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। अगर आप तैयारी कर रहे हो UP SSSC PET के लिए तो आप जो है इनरोल कर सकते हो 23 जून मतलब आज, ठीक है। तो 5:30 से 7:30 आप जुड़ सकते हो, आराम से संपूर्ण तैयारी होगी आपकी। साथ ही साथ IBPS एंड RRBs PU एंड कलर के लिए लाइव बैचेस स्टार्ट हो रही हैं 30 तारीख से, इवन आज से भी, ठीक है। ये टाइम अलग अलग टाइम में अलग अलग बैचेज हैं। ओके, चलिए मैं मूव करती हूँ आगे, देखती हूँ यहाँ पे। यहाँ आप देख सकते हो 7:30 से 9:30 का बैच है। चलो, और ये है हमारी अपकमिंग बैचेस। देखो ये तो अभी फिलहाल तो जो जून महीना है ये एंड हो गया, तो ये अंत में जो भी बैचेस आ रही हैं वो ये है। चलिए, और अधिक जानकारी के लिए आपको क्या करना है, अधिक जानकारी के लिए आपको जो है टोल फ्री नंबर पर कॉन्टैक्ट करना है एज यूजल जो आप करते हो। और साथ ही साथ आपको क्या करना है, साथ ही साथ जो है आप चाहोगे तो विजिट कर सकते हो वेबसाइट पर। चलो मैं बात करती हूँ, नेक्स्ट बात कर लेती हूँ आज के डेट की थॉट्स की, है ना। सभी लोग क्लास की लिंक शेयर करेंगे। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, सभी को जो भी हमारे स्टूडेंट चैट बॉक्स में एक्टिव हैं। संजय जी हो गए, निर्मला गरई हो गई, उसके बाद ज्योति गुप्ता, राहुल जी, राधिका, रवि प्रकाश यादव, नैनीत राहुल, शिवांगी शिवानी बाघेल, और उसके बाद हम देखेंगे रामदीप सिंह, किरण। तो सभी को जो है वेरी गुड मॉर्निंग एंड गो एंड शेयर, है ना। चलिए, आज मेरी स्ट्रैटेजी में थोड़ी परिवर्तन है। परिवर्तन क्या है कि मैं बता दूं आज के डेट का एजेंडा क्या है हमारा। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पहले हाइलाइट्स, उसके बाद हाइलाइट्स के बाद हमारा करंट अफेयर बेस्ड MCQ जो पहले किया करते थे हम, एंड उसके बाद बीच में हमारा होगा आर्टिकल डिस्कशन, ठीक है। और आर्टिकल डिस्कशन के बाद हम फिर करेंगे अपने आर्टिकल रिलेटेड MCQ और स्टैटिक MCQ। ओके, चलिए आगे बात कर लेती हूँ। क्लास की लिंक शेयर करें जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं। ओके, राइट नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट, ठीक। तो यहाँ देख लेते हैं, लीव योर कम्फर्ट जोन, अपने कम्फर्ट जोन को क्या करना है, छोड़ देना है। ओनली देन कैन यू फाइंड सक्सेस, वॉट इट्स मीन, मतलब सिंपल बात। हमारा जो ये स्ट्रैटेजी होता है ना, ये भाई हमसे ये नहीं होगा, हम तो ये कर ही नहीं सकते हैं, इतना लर्न तो हमसे हो ही नहीं सकता है, इतना फैक्ट्स क्या होता है, या फिर हम इतने घंटे से अधिक नहीं पढ़ सकते हैं। तो दीज आर दी थिंग्स दैट वी हैव टू अवॉइड, है ना। और अवॉइड दैट मीन्स क्या, हमको अपनी जो कंफर्टेबल जोन है ना उससे बाहर निकलना है। हमने अपने लिए एक बैरियर बना के रखा हुआ है कि यही हम कर सकते हैं, इसके अतिरिक्त तो हमसे ये होगा नहीं, बस इसी को तोड़ने की बात है। बहुत ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस वर्क नहीं करना है। चलो, अब इसको कैसे तोड़ोगे, अब कुछ लोग ऐसा नहीं हो जाएंगे कि बहुत ज़्यादा इंथुजियाज़म में आकर के 12 घंटा पढ़ने का एक शेड्यूल बना लिए, तो वो पॉसिबल भी नहीं होता। मतलब थोड़ा थोड़ा ही कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, किसके मैटर में, पढ़ाई के मैटर में, और कोई मैटर में नहीं। चलिए आगे बात करते हैं कल के क्वेश्चन की। कल बहुत ही ईजी सवाल था, लेकिन पता नहीं क्यों बहुत कम स्टूडेंट ने आंसर किया। चलो, जो भी जिन्होंने आंसर सही किया मैं उनका नाम हर दिन की तरह मेंशन क्यों यहाँ पे, तो देख लेती हूँ। पलक शुक्ला है, शुभम कश्यप, मधुमय मंडल, उसके बाद हम देखेंगे आकांक्षा पांडे, आनंद कुमार, नदीम, शिवानी सॉरी शिवम तिवारी, एंड उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे शिम्मी बोलवा, RD डिविस्टोन, मनीष साहू। और मनीष साहू जी तो बहुत मॉर्निंग से एक्टिव थे, मैं देखी थी मनीष साहू जी को, ठीक है। और उसके बाद नैनीत राहुल, मीनाक्षी जंजारिया, मनीष चौधरी, सुषमा पॉल, अंशु जायसवाल, अमित शर्मा, ठीक है। तो ये सारे स्टूडेंट ने हमें सही आंसर किया, मैं इनका नाम मेंशन की हूँ। चलिए, आप सभी भी कीजिए, आप सभी का भी नाम मेंशन होगा। तो गाइज, यू हैव टू आंसर ना, लास्ट में जो क्वेश्चन देते हैं उसका। चलो बात कर लेते हैं, आज है तारीख 23 जून, आज क्या है, इंटरनेशनल ओलंपिक डे, ठीक है। थीम क्या है, स्टे हेल्दी, स्टे स्ट्रांग, स्टे एक्टिव। ओके, चलो
आगे बात कर लेती हूँ न्यूज़ हाईलाइट से संबंधित। वेरी इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स हैं आज के सारे के सारे, और इसके बाद ही हमारा एमसीक्यू सेशन भी स्टार्ट होगा। चलिए अब देखिए आर्टिकल क्या है, इसको हम देख लेते हैं। पहले पहले तो आप लोग लिंक शेयर कीजिए क्लास की, जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं क्लास की लिंक शेयर करेंगे। चलो तो हम बात कर लेते हैं इम्पॉर्टेंट जो हमारी बॉडी है और क्या न्यूज़ है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है माउंटिंग सिंह अलूवालिया, नाम सुने होंगे आप, और अगर नहीं सुने हैं तो बिल्कुल आज सुन लीजिए। आपने प्लानिंग कमीशन का नाम सुना होगा, ठीक है। तो माउंटिंग सिंह अलूवालिया जो थे वो क्या थे, वाइस चेयरपर्सन थे किसके, हमारी जो प्लानिंग कमीशन थी उसके, ठीक है। तो चेयरपर्सन कौन थे भाई, चेयरपर्सन एज यूजुअल कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। चाहे वो प्लानिंग कमीशन हो, चाहे वो क्या हो आपकी नीति आयोग हो, है ना, ये याद रखोगे। तो चलिए माउंटिंग सिंह अहलूवालिया जी को क्या किया गया है, आप देख सकते हो इनको मेंबर बनाया गया है ना, हाई लेवल एडवाइजरी ग्रुप जो कि फॉर्म की गई है किसके द्वारा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा, है ना, वर्ल्ड बैंक के द्वारा और IMF, है ना। तो इसमें क्या ये बने हैं, ये बने हाई लेवल एडवाइजरी मेंबर, यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। वही है, एम की बात करें, मुद्दा वही है कि COVID-19 के पेंडेमिक के चैलेंजेस को कैसे काउंटर किया जा सकता है, इकोनॉमिकली ग्राउंड पे क्या किया जा सकता है, इन चीज़ों को देखना, इन चीज़ों के लिए काउंटर करना। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाती है, देखो माउंटिंग सिंह अहलूवालिया के बारे में तो हम जान गए, लेकिन हमें ये भी जानना होगा क्या, वर्ल्ड बैंक और IMF। तो मुझे बताइए वर्ल्ड बैंक कब सेटअप हुई थी और IMF कब सेटअप हुआ था, मुझे बताओगे। तो देखो सभी लोग को पता ही होगा वर्ल्ड बैंक और IMF दोनों ही जो है वो क्या है, ब्रेटन वुड, आपको याद होगा ब्रेटन वुड जो है कॉन्फ्रेंस के दौरान, समझौता मीटिंग के दौरान जो है इन दोनों बॉडी को बनाया गया है। टाइम पीरियड आप लोग मुझे बताओगे, 1944, 1945, 1946, चलिए यहाँ आ गया राहुल जी का। आगे बात कर लेते हैं, दोनों ही बॉडी याद रखोगे। अच्छा वर्ल्ड बैंक जब आप देख ही रहे हो, हेडक्वार्टर बता दो मुझे, हेडक्वार्टर ही बता दो दोनों का ही। अब जब वर्ल्ड बैंक की हम लोग बात कर रहे हैं तो हम नहीं भूल सकते IBRD को और ना ही हम भूल सकते IDA को। आपको क्या करना है, IBRD और IDA का पूरा नाम क्या है, फुल फॉर्म क्या है, ये मुझे बताना है, ठीक है। चलिए क्योंकि ये वर्ल्ड बैंक ग्रुप का पार्ट है ना, तो ये दोनों बॉडी, इन दोनों बॉडी के मिलने से ही क्या है, पहले सबसे पहले वर्ल्ड बैंक अगर हम बात करें तो इन दोनों का ही मेन योगदान है। तो आप लोग क्या करो, नाम आंसर करो, मुझे बताओ। चलिए आगे बात कर लेते हैं, नेक्स्ट हाइलाइट्स की तरफ मूव करते हैं हम। नेक्स्ट हाइलाइट्स है हमारा क्या, केरला से संबंधित, ठीक है। तो केरला से संबंधित मेरी नज़र चैट पे है, बिल्कुल आप सभी लिखो ताकि मुझे मालूम चले कि कितना आप जो है लर्न कर पा रहे हो, कितना रिवीजन कर पा रहे हो। ये चैट में लिख लिख के एक तरह का रिवीजन भी हो जाना है अपना, ठीक है। तो मल्टीटास्किंग बन जाते हैं हम लोग, है ना। चलिए और लिंक शेयर कीजिए, लिंक शेयर कीजिए बिल्कुल। चलिए अभी हम देख रहे हैं केरला से संबंधित न्यूज़ है क्या है, कि केरला की जो फॉर्मर पुरानी मतलब जो पहले की हेल्थ मिनिस्टर थी, इनका जो है इनको मिला है क्या अवार्ड। अब हम देख लेते हैं क्या है, के, आप याद रखोगे के सैलजा, ठीक है। तो के सैलजा जो कि केरला की फॉर्मर हेल्थ मिनिस्टर थी, इनको सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी के तरफ से जो है ओपन, आप देख सकते हो सोसाइटी प्राइज फॉर 2021, ये इनको दिया गया है। तो याद रखोगे इम्पॉर्टेंट बन जाता है। चलिए अब यहाँ पे हम केरला के बारे में पढ़े हैं तो आप मुझे बता दो केरला की स्थापना दिवस हम लोग कब मनाते हैं, केरला स्थापना दिवस हम लोग कब मनाते हैं, तो 1 नवंबर 1956, याद रखोगे। चलो अब यहाँ पे आ रहा है क्या न्यूज़, क्या बातें आ रही हैं सामने में, देखो ये प्राइज इनको, देखो वर्चुअली अभी तो सब कुछ वर्चुअल होगा ना, तो वर्चुअली देख सकते हैं हम कॉन्वकेशन हुआ, इनको ये प्राइज मिला जो कि क्या था, 33 नंबर का जो है ग्रेजुएशन सेरेमनी था, कहाँ का, इस यूनिवर्सिटी का, ठीक है। तो चलो अभी यहाँ पे देख लेते हैं ये हुआ कहाँ पे, ये वियना में हुआ। मुझे बताइए वियना कौन से कंट्री का कैपिटल है, मुझे बताओगे। चलो सभी को गुड मॉर्निंग, जितने भी हमारे स्टूडेंट जुड़ रहे हैं, ऑस्ट्रिया याद रखोगे, ऑस्ट्रिया, है ना। चलो करना क्या है, करना है लिंक शेयर करना है, लिंक शेयर नहीं करते हो आजकल आप सब, ठीक है, अकेले अकेले पढ़ने का सोच रखे हो। चलो आगे बात कर लेते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। सारी की सारी आज जो है वो लगभग बैंकिंग संबंधित पर्सनालिटी हमारे सामने अभी दिखाई दे रहे हैं लगभग, है ना। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट हमारा हाइलाइट्स, देखिए तमिलनाडु गवर्नमेंट से संबंधित है। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है क्या,
मेंबर का एक पैनल तैयार करेंगे। ध्यान से सुनना, तमिलनाडु सरकार ने डिसाइड किया कि ये 5 सदस्यों का एक पैनल तैयार करेंगे जो कि उनको एडवाइस देंगे इकोनॉमी के मामले में, ठीक है। इकोनॉमी एडवाइजरी काउंसिल है ना, टू द चीफ मिनिस्टर। तो चीफ मिनिस्टर की एक जो है हमारी एडवाइजरी, इकोनॉमी एडवाइजरी काउंसिल होगी जिसमें 5 सदस्य होंगे। अब इस 5 सदस्य में भाई ये लोग कौन लोग होंगे, तो ये इकोनॉमी के एक्सपर्ट्स होंगे। अच्छा फैसला लग रहा है, ठीक है। और ये सिंपली इंडिया के नहीं, ये पूरे वर्ल्ड वाइड के कहीं के भी हो सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पे देख रहे हैं, दो पर्सनैलिटी हमारे सामने है, एक तो रघुराम राजन जी हैं और दूसरा क्या है, हम देख सकते हैं कि नोबेल लॉरिएट इस्टर, आप देख सकते हो यहाँ पे डुफ्लो। तो आपको इस नाम से और इस फेस से थोड़ा सा चिर परिचित आप होंगे, है ना जी। हाँ बिल्कुल होना चाहिए, अभिजीत बनर्जी है ना, जो कि भारतीय मूल के हैं और इन ये जो है उनकी वाइफ हैं। दोनों को ही नोबेल प्राइज मिला था। मुझे बता दो कौन से ईयर में इनको नोबेल प्राइज मिला था, दोनों कपल्स को, ठीक है। चलो आगे अभी हम देख लेते हैं नेक्स्ट। ओके सभी को गुड मॉर्निंग, चलिए कंटिन्यू करते हैं, बात कर लेते हैं हमारे जो फॉर्मर रघुराम राजन जी जो कि आरबीआई के गवर्नर थे। देखो वैसे तो ये 23rd नंबर के गवर्नर थे, ये आरबीआई के 23वें नंबर के गवर्नर ये रह चुके हैं। साथ ही साथ ये जो है 15th जो है ये चीफ इकोनॉमी एडवाइजर भी रह चुके हैं इंडिया के, याद रखोगे। इसके साथ ही 7th आईएमएफ के जो है ये चीफ इकोनॉमी एडवाइजर रह चुके हैं, ये भी याद रखोगे। किनके बारे में बातें हो रही हैं, ये बातें हो रही हैं रघुराम राजन जी के बारे में। चलो याद रखोगे, तमिलनाडु है ना, तमिलनाडु की ये बात है। चलो आगे बात कर लेते हैं, नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वैसे तो हाइलाइट्स जो है ये आसाम से संबंधित है लेकिन ये योजना बहुत इम्पॉर्टेंट है। पहले हम इस योजना को समझ लें फिर हम आसाम का कॉन्टेक्स्ट भी ले लेते हैं, ठीक। तो योजना क्या है, स्वामित्व स्कीम यानी स्वामित्व योजना। देखो स्वामित्व योजना जो है ये याद आप रखोगे 24 अप्रैल 2020 में लागू की गई थी, किसके द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, क्योंकि ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, ठीक है। और नोडल मंत्रालय कौन है, तो नोडल मंत्रालय याद रखेंगे आप, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज जो है ये इसकी नोडल मंत्रालय है, याद रखेंगे। अच्छा यहाँ पे जो है 24 अप्रैल दिन इसलिए चूज किया गया था क्योंकि 24 अप्रैल क्या होता है, मुझे बताओगे, मुझे बताओगे चैट में 24 अप्रैल को क्या होता है, तो जी बिल्कुल नेशनल पंचायती, याद रखोगे है ना, नेशनल जो है नेशनल लेवल पे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं नेशनल पंचायती, ठीक है, राज दिवस, ठीक है, याद रखोगे ये हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो इसी दिन में ये जो है हम कह सकते हैं योजना लॉन्च की गई थी। और ये अगर हम बात करें तो स्वामित्व का फुल फॉर्म आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। देखो स्वामित्व का फुल फॉर्म जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो स्वामित्व का फुल फॉर्म क्या होगा, स्वामित्व का फुल फॉर्म आप बता सकते हो मुझे चैट में लिख करके, वैसे मैं बता देती हूँ आप सभी को, सर्वे ऑफ विलेज है ना, सर्वे ऑफ विलेज आबादी, बड़ा वाला है, सर्वे ऑफ विलेज आबादी एंड मैपिंग, ठीक है, सर्वे ऑफ विलेज आबादी आबादी एंड मैपिंग विथ, हम देख सकते हैं क्या, इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी, ठीक है, इन विलेज एरिया, ठीक है, ये बड़ा वाला है फुल फॉर्म, याद रख पाओ तो याद रखना लेकिन याद रख जरूर लेना, ये तो आपका फुल फॉर्म हो गया, ठीक है। चलो अभी बात कर लेते हैं इस योजना के तहत क्या क्या बातें हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट योजना है। देखो फर्स्ट फेज जब इसका लॉन्च किया गया था तो कौन कौन से, ये फर्स्ट फेज की बात करें तो फर्स्ट फेज में एमपी यूपी है ना, उत्तराखंड जिसको शॉर्टली आप यूके बोलते हो, हम भी यूके बोल रहे हैं, उत्तराखंड, यूके का मतलब जो है उत्तराखंड, याद रखोगे, ठीक है। राजस्थान का कुछ एरिया, राजस्थान का कुछ डिस्ट्रिक्ट, पंजाब का कुछ डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। और उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या, हरियाणा भी यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, हरियाणा भी है।
और इन सब राज्यों में जो है ये पहली जो है मैंने पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे हम कह सकते हैं लॉन्च किया गया था, जिसमें टारगेट क्या है जो है 6 लाख अप्रॉक्स विलेज को काउंटर करना, 6 लाख विलेज जो है इसमें आ जाए ऐसा टारगेट है 2020 से 24। याद रखोगे 2020 से 24, इतना तो हम लोग फैक्ट जान लिए, लेकिन ये योजना क्या है भाई, ये तो नहीं डिस्कस किए ना। देखो योजना ये है, ठीक है, योजना ये है कि जितने भी ग्रामीण लोग हैं उनकी जमीन उनकी प्रॉपर्टी सारा का सारा जो डेटा है वो डिजिटली हो, लोगों की प्रॉपर्टी के बारे में जानकारी हो, ताकि जो प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट्स होता है ना पेपर के वजह से वो रिजॉल्व किया जा सके। साथ ही साथ इस स्कीम में जो है सरकार ने टेक्निकली जो है टेक्नोलॉजी के तौर पे पार्टनरशिप किया है, किसके साथ, सर्वे ऑफ इंडिया के साथ। ये टेक्निकल पार्टनर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, समझ गए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये टेक्निकल पार्टनर है। ड्रोन की सहायता से, टेक्नोलॉजी की सहायता से मैपिंग वगैरह की जाएंगी जमीन की प्रॉपर्टी की, समझ गए, ये है योजना, ताकि पंचायती राज सिस्टम को और बूस्ट किया जाए, ग्रामीण जीवन को थोड़ा सुगम में बनाया जाए, क्योंकि ग्रामीण जो लोग होते हैं वो पेपर वर्क को समझते नहीं है, बहुत सारी प्रॉपर्टी को समझते नहीं है। तो अगर ऐसी चीज़ें हो जाएंगी तो ये खाता बही पेपर का जो कार्यक्रम है ना ये थोड़ा आसान हो जाएगा। ये छोटी योजना नहीं है, इसको मजाक में मत लीजिएगा। बात कर लेते हैं नेक्स्ट यहाँ पे हाईलाइट्स। तो हाईलाइट्स क्या है, आसाम गवर्नमेंट ने क्या किया है, MOU साइन कर लिया, किसके साथ भाई, सर्वे ऑफ इंडिया के साथ। किस लिए भाई, हमारे यहाँ भी ये जो स्वामित्व योजना है इसको आप क्या कीजिए, लागू कीजिए अच्छे तरीके से जो है। हमारे यहाँ भी सारी की सारी जो ग्रामीण लोग हैं इनकी प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड हो, लोगों को जानकारी हो, और ड्रोन और टेक्नोलॉजी की सहायता से मैपिंग की जा सके, बहुत ही फायदेमंद है ये। चलिए आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं हाईलाइट्स हमारा जो है ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन से संबंधित है। अच्छा आप मुझे बताओ, कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो है तो हम लोग जो इंटरनेशनल कंज्यूमर प्रोटेक्शन डे कब मनाते हैं, और नेशनल जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन डे कब मनाते हैं, ये मुझे बताओ आप सभी लोग, ठीक है। पहला क्वेश्चन, इंटरनेशनल कंज्यूमर प्रोटेक्शन डे कब मनाते हैं, दूसरा क्वेश्चन, नेशनल जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन डे कब मनाते हैं, आप सब बताओगे मुझे इसका आंसर। मैं देख रही हूँ कोई चैट में आंसर नहीं कर रहे है ना, गुड मॉर्निंग के अलावा, तो सभी को गुड मॉर्निंग। आगे बात कर लेते हैं, हम यहाँ पे बात करते हैं क्या जो है, देखो बिल के बारे में है, प्रपोज किया जा रहा है अमेंडमेंट्स की रिगार्डिंग बात हो रही है, और ये जो रूल है ना कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2020 है ना, ई कॉमर्स, इसमें बदलाव की बात की जा रही है। देखो मैं कॉन्टेक्स्ट बताती हूँ, मैंने बैकग्राउंड बताती हूँ, फिर आर्टिकल समझाती हूँ। देखो बैकग्राउंड ये है कि हमारे इंडिया में बहुत सेल वेल आता है ना, ये जैसे कि मेगा सेल आ गया, फलाना सेल आ गया, धमाका सेल आ गया, और वो भी कब होता है, 26 जनवरी में आ गया, 15 अगस्त में आ गया, ऐसे कुछ, या होली के टाइम में आ गया। तो ये बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती है ना, अमेजोन हो गई, फ्लिपकार्ट हो गई, ये सब जो कंपनी है ये ऑनलाइन है ना, तो ये इतना बड़ा सेल चलाती है कि सारे के सारे लोग जो है वो इस समय का इंतजार करते हैं, एक काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट, ह्यूज डिस्काउंट के साथ साथ जो है ये चीज़ों को बेच देते हैं, 50-60% ऐसा डिस्काउंट दे करके ये बेच देते हैं। होता क्या है, इससे अच्छी बातें कस्टमर के पार्ट पे, अच्छी बातें कस्टमर को बहुत सारे राइट मिलते हैं इंजॉय करने के लिए, लेकिन ये गलत बात है, कहाँ पे ये गलत बात है, ये ऑनलाइन तो ऐसे बेच देते हैं, लेकिन जो हमारे छोटे रिटेल और जो ऑनलाइन व्यापार नहीं कर रहे हैं उनको होता है लॉस है ना, वो ऐसे कॉम्पीट नहीं कर पाते। चलो मैं देख रही हूँ यहाँ पे आप लोग आंसर कर रहे हो, ठीक है, क्या आंसर कर रहे हो भाई, जो मैं आपसे पूछी क्वेश्चन, तो कुछ लोगों का आ गया 15 मार्च, तो बहुत सही, 15 मार्च इंटरनेशनल वाला, और नेशनल वाला 24 दिसंबर है ना, याद रखोगे, ठीक है, 24 दिसंबर याद रखोगे। चलिए अभी यहाँ पे, हाँ, जो है रविचंद्र सर जी, दिसंबर ही है, दिसंबर जो है याद रखोगे। चलिए आगे बात कर लेते हैं, हम बात करते हैं भाई, क्लास की लिंक शेयर कीजिए, इसके बाद हम लोग जो है MCQ डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि अमेजोन और फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियाँ जो ऐसा ह्यूज डिस्काउंट देती है, सरकार चाहती है कि यहाँ पे रूल थोड़ा ठीक ठाक किया जाए, ताकि इस तरह का बल्क डिस्काउंट दे करके जो मार्केट में कॉम्पिटिशन है इसको खराब ना करे। हालांकि हमारे यहाँ ई कॉमर्स को रेगुलेट करने के लिए
कंज्यूमर प्रोटेक्शन राइट्स तो हैं, बिल हैं, नियम कानून हैं, लेकिन इस तरह की चीज़ों को रोकने के लिए कोई विशेष परिवर्तन की बात यहाँ पे मैंने कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट कानून नहीं है। सरकार चाहती है कि कुछ इस तरह का किया जाए, इसीलिए बात ये हो रही है, इसीलिए न्यूज़ में है। वही लिखा हुआ है कि इंडिया हैज़ प्लान टू, देख सकते हो आप रूल को क्या करना है, ठीक ठाक करना है। कौन सा रूल? ई कॉमर्स वाला, ई मार्केट प्लेस वाला, लाइक अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट, जो कि बार बार जो है इस तरह का मतलब डिस्काउंट और ये सब चीज़ों को दे करके ये जो नियम है इसको ब्रीच करती है। तो ये अमेंडमेंट जरूरी है, यही बात है। ठीक है, चलो मैं आगे बात करती हूँ। नेक्स्ट इसराइल से संबंधित है, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। देखो, एक नई टेक्नोलॉजी हम कह सकते हैं, इसराइल की जो ये कंपनी है, ये जो है ना एल्बिट सिस्टम, ये एक टेक्नोलॉजिकल कंपनी है इसराइल बेस्ड। वैसे ये हमारे लिए भी बहुत अच्छी है, इन्होंने हमें बहुत सारी चीज़ों को दिया है। हमारी हम जो गन यूज़ करते हैं, है ना, मतलब जो बहुत ही साउंड, टेक्निकली साउंड जो गन्स हैं, ठीक है, वो हमारे नेवल के पास हो या आर्मी के पास हो, तो इनको, इनसे हमने जो है उसको परचेज किया है। काफ़ी ज़्यादा वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। और 2016-15 ये सब में आप लोग पढ़े होंगे। चलो, प्रेजेंट सिनेरियो क्या है ये मैं बात कर लेती हूँ। देखो, इसराइल की मिलिट्री जो है वो सक्सेसफुली टेस्ट की है, क्या? एयरबोर्न की। तो एयरबोर्न हाई पावर लेज़र क्या है? अभी आपको दिख रहा होगा ये मिसाइल, है ना। तो सबसे इम्पोर्टेंट ना ये टेक्नोलॉजी हो जाती है हमारे लिए समझना। तो क्या है कि यहाँ पे आगे में आपको यहाँ पे थोड़ा सा दिख रहा होगा गोल टाइप का, तो प्लेन के आगे में ही इस तरह का जो है ये एयरबॉर्न लेके चलेंगे, इस तरह का ये रहेगा। यहाँ से निकलने वाली लेज़र लाइट, तो ये लेज़र लाइट निकलेगी और जहाँ से भी, मैंने एक तरह का ये स्फीयर बना लेगी अपने चारों तरफ, एक तरह का प्रोटेक्शन लेयर बना लेगी, और जहाँ से भी बाहर से अटैक होने वाला होगा या हो ही रहा होगा उसको ये तुरंत ही डिटेक्ट करेगी, सारे डायरेक्शन में डिटेक्ट करेगी और यहीं से ये वॉर करेगी। मतलब जो सिविलियंस एरिया है वहाँ पर मिसाइल को पहुँचने नहीं देंगी, ये लेज़र टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। और बहुत ज़्यादा हु एंड क्राई भी नहीं होगा, बहुत शोरगुल भी नहीं होगा, और जो है धाराशाही कर दिए जाएंगे दुश्मनी दुश्मन देश की तरफ से जो भी मतलब मिसाइल लॉन्च किए जाएंगे। इस टेक्नोलॉजी का ये पर्पस है। फिलहाल ये टेक्नोलॉजी संबंधित है इसराइल से, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट बात है, देखो फिर इसराइल इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं, मतलब समझ में आ रहा है हमें क्या लग रहा है? हमें लग रहा है कि कुछ गड़बड़ या कुछ और प्लान हो सकती है, लेकिन फिलहाल तो ऐसा कुछ नहीं है। वैसे वहाँ पे पॉलिटिकली भी इस्टेब्लिशमेंट कुछ ढंग ढंग का नहीं चल रहा, 8 पार्टियों की सरकार चल रही है, और जो फॉर्मर वहाँ के हेड थे वो, उनका कहना है कि आई एम जस्ट कमिंग बैक, वो बोल के गए। तो थोड़ा सा इंटरनल और थोड़ा सा इंटरनेशनल यहाँ पे अनस्टेबल कंडीशन चल रहा है। बाय एंड लार्ज बात यही है कि क्या किया गया है, टेस्ट किया गया है, और ये क्या है, लेजर बेस्ड है। किसके द्वारा डेवलप किया गया है? एल्बिट सिस्टम के द्वारा जो है ये मतलब कि बनाया गया है। अब यहाँ पे न्यूज़ आ जाती है, क्या? मेडिटेरियन सी में इसको क्या किया गया है, कंडक्ट किया गया था ये वाला टेस्ट को। अब मुझे बताओगे कौन कौन सी कंट्री मेडिटेरियन सी के साथ बॉर्डर शेयर करती है, नेम द कंट्री, ये आप मुझे बताओगे। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्या है? येलो गोल्ड 48, है ना। और वास्तव में ये है क्या, दिख रहा है कैसा येलो येलो, है ना। तो ये आप लोग खाते होंगे ना गर्मी के दिनों में वाटरमेलन, तो ये तरबूजे खरबूजे, अब तरबूजा ने अपना रंग चेंज कर दिया है हम कह सकते हैं। अब लाल से पीला तरबूजा भी हम देखने वाले हैं, यानी वाटरमेलन हम देखने वाले हैं। देखो, जर्मन, आप देख रहे हो जर्मन एग्रोकेमिकल्स, है ना, जर्मन एग्रोकेमिकल्स जो कि मेजर बायर्स हैं, है ना। हम बहुत सारी चीज़ों को जो है यहाँ से मतलब कह सकते हैं कि परचेज करते हैं, ठीक है, केमिकली। और ये आप देख रहे हो सेमे जो है सेमेनिस ब्रांड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेमेनिस ब्रांड, ठीक है। तो आपको याद रखना है क्या, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, कि वाटरमेलन की नई वेराइटी येलो गोल्ड 48, है ना, जो कि सेमनिस ब्रांड की है, ठीक है। फर्स्ट एवर, पहली बार जो है इस तरह की वैरायटी हम जो है यूज़ करने वाले हैं। हम इसको इस तरह की जो कह सकते हैं कि एग्रोकेमिकल है, इसको हम प्रक्योर करके अपने कंट्री में इसका यूज़ करेंगे। हालांकि ये काफ़ी बेनिफिशियल है, ये मतलब ऐसा नहीं है कि बस कलर चेंज हो रहा है, ऐसा नहीं है, कलर चेंज ही नहीं, बहुत सारी चीज़ें इसमें अलग सी हैं। जैसे कि इसमें जो है डिजीज़ जो है हम कह सकते हैं, जो ये जो पेड़ है डिजीज़ से अपना बचाव कर लेते हैं, और हाईली हम कह सकते हैं कि इनसे हमको रिटर्न प्राप्त हो सकता है, क्योंकि अब जल्दी से कोई सामान ख़राब नहीं होगा तो ज़्यादा फायदा करेगा ना, वही वाली बात है। चलिए याद रखोगे वेराइटी का नाम। सेकेंडली भी बहुत इंपॉर्टेंट है,
आईसीएआर मुझे बताओगे, आईसीएआर जो है ये कब सेटअप हुई थी ये मुझे बताओगे। बार बार ये आईसीएआर, इसरो, डीआरडीओ हमेशा न्यूज़ में रहता है, तो आप सभी को याद हो जाना चाहिए। तो आईसीएआर और सीटीसीआरआई यानी सेंट्रल ट्यूबर क्रॉस क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट है ना, जो कि आईसीएआर का पार्ट ही है ये, ठीक है। अब इनकी नई बातें सामने आई हैं, इन्होंने नई बातें बताई हैं। क्या बताई हैं इन्होंने कि बोला गया है कि देखो भाई, ऐसा है जो हम लोग पेट्रोलियम जो हम लोग यूज़ करते हैं उसमें हम आजकल क्या करते हैं, देखो अभी तो ग्रीन ग्रीन चल रहा है ना, कल तो बताऊंगी भी आपको इसके बारे में ज़्यादा से। तो जो ग्रीन ग्रीन चल रहा है यानी हम क्या करें, इथेनॉल को ब्लेंड कर रहे हैं ना पेट्रोल में, तो हम एक काम कर सकते हैं क्या, हम जो है कसावा को भी एज ए रॉ मटेरियल यूज़ कर सकते हैं, बना सकते हैं, पेट्रोल में यूज़ कर सकते हैं, ये बातें हो रही हैं। ना केवल कसावा, याद रखोगे शुगर केन के लिए भी सरकार की यही पॉलिसी है। कुछ दिनों पहले हिंदू में बड़ा सा आर्टिकल भी आया था शुगर केन से संबंधित, ठीक है। तो सरकार यही चाह रही है कि शुगर केन, कसावा, इन सब चीज़ों का जो है यूज़ करके हम पेट्रोलियम को जो है मतलब ग्रीन पेट्रोल में कन्वर्ट करें। और बहुत ही एम्बिशियस टारगेट है सरकार का, टारगेट 2025, ठीक है, ताकि सरकार जो है इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोलियम प्रोग्राम जो सरकार का है, इसके टारगेट को सरकार अचीव कर पाए। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, याद रखो कि कसावा के लिए सोचा गया, शुगर केन के लिए सोचा गया। अच्छा मुझे बताओ, ऐसा करने से क्या हमारे लिए फ़ायदा है या क्या हमारे लिए लॉस है, क्या लगता है आपको? आप मुझे लिखोगे कहाँ पे, आप मुझे लिख के बताओगे अभी। हाथ चलाना शुरू करो बाबा। चलो बात कर लेते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं उड़ीसा से संबंधित। देखो उड़ीसा से संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे हमारे एग्जाम में बन जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। उड़ीसा भारत का एकमात्र ऐसा स्टेट है जहाँ पे जो टर्टल्स हैं इनकी तीनों प्रजातियाँ, सॉरी क्रोकोडाइल की, नॉट टर्टल्स, ठीक है, क्रोकोडाइल की जो है तीनों प्रजातियाँ जो है यहाँ पे मिलती हैं। याद रखोगे आप, क्रोकोडाइल्स की तीनों प्रजातियां सिर्फ और सिर्फ भारत के उड़ीसा में ही पाई जाती हैं। अब ये कौन कौन सी प्रजातियां हैं आप देख लोगे क्या, फ्रेश वाटर घड़ियाल दिख रहा है आपको, एट आपको दिख रहा है, सतकोशिया इन महानदी, याद रखोगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या जो है मगर, मगर ये घड़ियाल हो गया, ये मगर हो गया। और यहाँ पे क्या देख सकते हैं हम, भितरकनिका नेशनल पार्क, भितरकनिका नेशनल पार्क आपको पता ही होगा, ठीक है। एंड तीसरा जो है सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, यानी जो सॉल्ट वाटर यानी खारे पानी में जो क्रोकोडाइल रह सकता है, ये तो याद रखोगे आप। और ये जो है हम कह सकते हैं कि उड़ीसा जो है इंट्रोड्यूस कर रही है 13, मतलब हम कह सकते हैं मतलब 13 मोर घड़ियाल इन अ पास 3 ईयर्स। तो मतलब संख्या भी यहाँ पे बढ़ रही है महानदी वाले रीजन्स में, यानी जो फ्रेश वाटर घड़ियाल से इनकी संख्या लगातार बढ़ रही है, तो अच्छी बात है। चलिए तो अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट कुछ जो है थोड़े शॉर्ट वाले न्यूज़ जो हमारे छूट ना जाए, क्योंकि कभी इनसे एमसीक्यू बन जाता है, उनको जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। देखिए लोकसभा जी के बारे में है, लोकसभा स्पीकर ने जो है वो अनाउंस किया, क्या अनाउंस किया, एक नई स्कीम, नई योजना हम कह सकते हैं, क्या नाम है, लैंग्वेज लर्निंग प्रोग्राम, याद रखोगे लैंग्वेज लर्निंग प्रोग्राम, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी किसके लिए, हमारे लिए, नहीं, हमारे लिए नहीं है ये, जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए है ना, स्टेट के लिए, और जो है हमारे हम कह सकते हैं यूटीज में, तो जितने भी मेंबर्स हैं, ठीक है, इस हाउस से जुड़े हुए, माने जो हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम हो गया, स्टेट हो गया, या हमारे जो यूटीज हो गए हैं, उनके जितने भी लेजिस्लेटर्स हैं यानी जितने भी विधायक हैं है ना उनके, और जो भी अधिकारी हैं जो इस फील्ड में हैं, इस व्यवस्था से संबंधित हैं, जो भी अधिकारी हैं और उनके फैमिली मेंबर, ठीक है, उनके लिए ये बातें हैं, उनके लिए स्कीम है लैंग्वेज लर्निंग प्रोग्राम। आपके लिए क्वेश्चन बन जाएगा कि लैंग्वेज लर्निंग प्रोग्राम को किसने लॉन्च किया है, ठीक है, और किसके लिए, याद रखोगे। चलिए सेकेंड बात कर लेते हैं, सेकेंड हम बात करते हैं मेडिकल कॉलेज की, बात करते हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की, जो कि खोला गया कहाँ पे, एमपी में है ना, मध्य प्रदेश में खोला गया है। और इसका नाम क्या है, इसका नाम आप याद रखोगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखो आप जो है नाम सुने होंगे विजय राजेश सिंधिया के बारे में है ना, तो विजय राजेश सिंधिया इस मेडिकल कॉलेज का नाम रखा गया है, इम्पॉर्टेंट है, न्यूली मेडिकल कॉलेज खुली है, तो एक लीनियर क्वेश्चन बन सकते हैं, याद रखोगे। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं,
चलिए चैट पे भी मैं देख रही हूँ है ना, लेकिन पहले जल्दी से ख़त्म कर लूँ और उसके बाद जब एमसीक्यू करूँगी तब सभी का नाम लेते रहूँगी जो सही आंसर करेंगे और किसी का नहीं, जो गलत करेंगे उनका भी कभी कभी। चलिए ये याद रखो कि नेक्स्ट बात कर लेते हैं गुजरात से संबंधित। गुजरात के सीएम कौन? विजय रूपानी है ना। इन्होंने अनाउंस किया है क्या, गुजरात इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी 2021। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से। ठीक है, अब ये बहुत एम्बिशियस टारगेट है। क्या टारगेट है इनका? इनका टारगेट है कि देखो 2 लाख इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स जो है ये नेक्स्ट 4 ईयर में ये मार्केट में लेकर के आ जाएंगे गुजरात से संबंधित, है ना, याद रखोगे। चलिए तो ये इंपॉर्टेंट है, लीनियर्स कुछ क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे, इसलिए मैं इसको ले आई। चलिए अब है हमारा एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर, जिसका आपको आंसर करना है। चलिए नंबर 1 क्वेश्चन आपके सामने है, आपको आंसर करना है। चलो भाई जितने भी लोग बने हुए हैं सेशन को एक बार लाइक कर दो, शेयर कर दो। जितने भी हमारे इस क्लास में स्टूडेंट बने हुए हैं तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू लाइक एंड शेयर। ठीक है, चलिए मतलब क्लास में रहोगे, लाइक नहीं करोगे, शेयर नहीं करोगे, नॉट फेयर ना। चलिए अभी हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके सामने। निम्नलिखित में से है ना किस सरकार ने राज्य में स्वामित्व योजना लागू की है? भाई आप मुझे बताओगे, और इसके लिए जो है एमओयू किया है, साइन किया है एमओयू किसके साथ? सर्वे ऑफ इंडिया के साथ। तो गोवा, केरल, आसाम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। तो आंसर तो सबका सही होना है, एकदम सही होना है, इसमें तो गलत का सवाल ही नहीं पैदा होता है। लेकिन जिन्होंने सबसे पहले कर दिया वो कौन है? तो सबसे पहले जिन्होंने कर दिया वो है, मुझे पता है, देख लेती हूँ एक बार। नैनी तो नहीं है, नैनी तो नहीं है, हाँ थग लाइट है कोई, तो इनका आंसर सही है। और उसके बाद आनंद, आनंद का आंसर आ रहा है। तो ये वैसे तो आंसर सबका सही है नो डाउट, लेकिन क्या है पहले जिनका आया। चलिए आगे बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। रिसेंटली है ना, देखो आप देख सकते हो यहाँ पे हाल में प्रसिद्ध जो है गीतकार कवि जिनका नाम है क्या, आप देख सकते हो जिनका नाम है पुवाचल खादर। ठीक है, तो पुवाचल खादर जिनका नाम है उनकी मृत्यु हो चुकी है। आपको बताना है कि वो किस भाषा के फिल्म इंडस्ट्री से संबंधित हैं? हिंदी सिनेमा, पंजाबी सिनेमा, तेलुगु सिनेमा, मलयालम सिनेमा या तमिल सिनेमा? तो व्हाट इज, बताओ मुझे। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी करोगे बहुत टाइम की कमी हो जाएगी फिर, अभी बहुत कुछ करना है हमें। अभी एक आर्टिकल डिस्कस करना है जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ फिर क्वेश्चन डिस्कस करना है। तो आंसर इज व्हाट? आंसर इज 2 का आंसर हो जाएगा क्या, 4, मलयालम, याद रखोगे। चलो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग डे द ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक वॉज स्टैब्लिश्ड बाय नेताजी सुभाष चंद्र बोस? ये न्यूज में था, ठीक है, क्यों न्यूज में था मुझे बताओगे, आप लोग ही बताओगे। तो वहां से कुछ क्वेश्चन बनते नहीं, तो मैं क्या सोची कि डेट ही पूछ लेती हूँ आप लोगों से, करंट में घुसा देती हूँ स्टैटिक वाला ये क्वेश्चन। हालांकि ये करंट में था, न्यूज में था ये, लेकिन क्यों न्यूज में था ये आप लोग मुझे बताओगे। तो क्या होगा भाई, 3 नंबर का आंसर क्या होगा, 22 जून, है ना, कल था ना 22 जून, इसीलिए। चलिए अभी नेक्स्ट बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 3 के बाद 4 नंबर। तो 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज लॉन्च एम योगा ऐप ऑन 7th इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 2021? निम्नलिखित में से किसने 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 पर एम योगा ऐप लॉन्च किया? नरेंद्र मोदी, रामनाथ कोविंद, धर्मेंद्र प्रधान, राजीव कुमार और अमित शाह? तो जल्दी से इसका आंसर क्या होगा मुझे बताएंगे। जल्दी से मुझे बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं सिंपल सी बात है ना, सभी का आंसर तो एकदम आना चाहिए, और ये आंसर क्या होगा, चलो सही है, सही है, बहुत सही है। तो चलिए तो इसका आंसर हम लोग देख पा रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी, बहुत सही है, सबका आंसर आ गया। ठीक है, अच्छा मुझे बता दो इस बार का योगा का थीम क्या था, मुझे बताओ योगा डे का थीम क्या था इस बार। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। रिसेंटली है ना, रिसेंटली दी
EU and India conducted a joint naval exercise in the conducted in which of the following से आपको बताना है. हाल ही में यूरोपीय संघ और भारत ने जो है निम्नलिखित में से किस हम कह सकते हैं कि जो समुद्र अभ्यास है ये कहाँ पे नौसैनिकों ने कहाँ पे जो है ये अभ्यास को प्रैक्टिस किया आप मुझे बताओगे. तो चलिए आओ योगा फॉर वेल विंग्स. ओके राहुल वेरी गुड. ओके चलिए तो यहाँ पे 5 नंबर का आंसर क्या होगा मैं अभी ये बताने वाली हूँ. अभी मैं पढ़ाऊंगी इसको थोड़ा डिटेल से ठीक है. तो इसका आंसर क्या होगा 5 नंबर का आंसर बिल्कुल ये यह होना चाहिए ना गल्फ ऑफ एडन. हम देखेंगे इसको और भी ज्यादा. चलिए अभी 6 नंबर की बात कर लेते हैं. क्या है हु अमॉन्ग द फॉलोइंग विल बी है ना कैप्टन द इंडियन मेन्स हॉकी टीम एट द टोक्यो ओलंपिक. आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन टोक्यो ओलंपिक ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम का कप्तान होगा. मनप्रीत सिंह और हरमनप्रीत सिंह और हम देख सकते हैं पी आर जो है श्रीजेश सुरेंद्र कुमार वीरेंद्र लकड़ा. आपको आंसर करना है तो व्हाट वुड बी योर आंसर जल्दी से बताओ बाबा. तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं. हाँ हाँ पता है मैं देख रही हूँ पोल आ जा रहा है. कोई बात नहीं वो भी करना है ये भी करना है. तो चलो तब तक आप लोग पोल पे पार्टिसिपेट करो और मैं इधर भी देख लेती हूँ उधर भी आप लोग कर लो. जब उधर ख़त्म हो जाए तो इधर भी आंसर कर दो कोई दिक्कत नहीं. वो सब प्रोसेस है ना तो वी हैव टू गो थ्रू. चलिए अभी 6 नंबर की बात कर लेते हैं. तो 6 नंबर का अपना आंसर क्या हो जाएगा. तो बिल्कुल 6 नंबर का अपना आंसर हो जाना है क्या मनप्रीत सिंह. याद रखोगे देखो कप्तान तो मनप्रीत सिंह हो गए और ये जो वीरेंद्र लकड़ा है ना समझ गए और साथ ही साथ जो है यहाँ पे दिख रहे हैं आपको हरमनप्रीत सिंह ये क्या बन गए हैं ये दोनों हैं उप कप्तान है ना. यहाँ पे आपको दिख रहा है कप्तान कप्तान के आगे लगा दो उप कप्तान कौन है ये दोनों हैं और कप्तान कौन है मनप्रीत सिंह याद रखोगे. चलिए आगे बात कर लेते हैं. बात कर लेते हैं जो है 7 नंबर क्वेश्चन आपको बताना है जो है टॉय कैथन ठीक है 2021 कल ही न्यूज़ में था. टॉय कैथॉन 2021 वाज ज्वाइंटली लॉन्च्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री. आपको बताना है टॉय कैथॉन जो 2021 है ये किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है. ऑप्शन है आपके पास मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस एंड मिनिस्ट्री ऑफ लॉ मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल एंड मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर. आंसर क्या होगा मुझे बताओगे. तो इस क्वेश्चन का आंसर अगर हम बात करें भाई जितने भी लोग क्लास में बने हुए हैं एक बार लिंक को शेयर करेंगे क्लास को लाइक करेंगे है ना थोड़ा सा तो बनता है ना. चलो तो क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या होगा. तो 7 का आंसर होने वाला है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड टेक्सटाइल. देखो मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता दूँ आपको ना केवल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और टेक्सटाइल बल्कि बहुत सारे यहाँ पे इंक्लूड है. तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन तो हो गया और मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल भी हो गई. तो यहाँ पे जुड़ जाता है क्या जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन है ना मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ठीक है. तो ये भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं ये भी इसमें इन्वॉल्व है. तो ये वन ये टू ये थ्री और उसके बाद भी है मिनिस्ट्री ऑफ यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं जो है इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ये भी इसमें इन्वॉल्व है. और उसके बाद आपको याद रखना AICTE ये भी इसमें जो है इन्वॉल्व है ठीक है. तो इन सब का कोलाब्रेशन है ठीक है ये याद रखोगे इन सब के कोलाब्रेशन से ये जो है आपके टॉय कैथॉन मतलब टॉय खिलौने की दुनिया में व्यापार और बहुत सारे डेवलपमेंट हम कर सकें और ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा स्कोप है. तो बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल जो हमारे इंस्टीट्यूट है इंजीनियरिंग कॉलेज ठीक है मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट और ये सब मंत्रालय सबका मिला जुला ये आंसर है ठीक है आपको याद रखना है. चलो आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है देखो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट यूटी हैज लॉन्च दी आपको याद बताना है क्या जहां वोट है ना वहां वाहन टीकाकरण. तो आपको याद रखना है क्या कि ये कौन से मंत्रालय कौन से स्टेट ने ये लॉन्च किया है जहां वोट वाहन टीकाकरण. तो आपको बताना है प्रोग्राम कौन से स्टेट या यूटीज का है. तो आंसर क्या होगा
कोई बात नहीं है, पोल जो है वो ठीक है, चलिए आगे बताइए। राहुल बता रहे आज पोल में मजा आ रहा है मैम। सही है राहुल। इसका आंसर बताओ, इसका आंसर क्या होगा, 8 नंबर का आंसर क्या होगा? दिल्ली, बिल्कुल सही, दिल्ली होना चाहिए, है ना। सच में आज हम भी परेशान हो जा रहे हैं, आज तो पोल ही हो रहा है ना। चलो कोई बात नहीं है, है ना। देखो जहाँ वोट वाला बात हो रहा है तो यहाँ पोल वाला बात हो रहा है ना। सही है, सही है, एकदम सही है। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है? 9 नंबर क्वेश्चन है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज रिलीज द जनरल इलेक्शन इलेक्शन 2019 एटलस। आपको बताना है, ये मैं तो पढ़ा चुकी हूँ ना, इसका आंसर बता दो मुझे। वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, उसके बाद क्या है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, नीति आयोग, पार्लियामेंट का ही है, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। भाई अब सिंपल सी बात है ना, सभी लोग का आंसर सही आना है, तो क्यों विलंब किया जाए, तो पता होना चाहिए क्या होगा आंसर, क्या होगा, क्या होगा, बता दो बता दो। इलेक्शन कमीशन, है ना, चलो याद रखोगे। बात कर लेते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, ठीक है। आप लोग ऐसे ही करते रहो, पोलिंग करते रहो, क्या करूं मैं, है ना। चलो नदीम जी पार्टिसिपेट करो पोल में ही। और यहाँ पे 10 नंबर की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज टॉप्ड द वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2021। विश्व की जो है कौन सी जो है देश जो है वो शीर्ष पे आई है विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचांक 2021 में? जापान, यूएसए, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, क्या होगा आंसर? तो बिल्कुल 10 नंबर का आंसर क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, बिल्कुल नॉर्वे, नॉर्वे, है ना। चलिए आगे बात कर लेते हैं, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इम्पॉर्टेंट। देखो ये इम्पॉर्टेंट था, हालांकि जो है मैं पहले से प्लान करके रखी रहती हूँ, लेकिन क्लासेस शेड्यूल रहते हैं तो दैट्स वाई जो है थोड़ा एक दो दिन पीछे हो जाती हूँ, बट ऐसा मेरा उद्देश्य नहीं होता, मैं डिसाइड उसी दिन कर लेती हूँ जब न्यूज़ आया रहता है, तो कोई बात नहीं है ना, देर आए दुरुस्त आए। देखिए क्या बातें हैं यहाँ पे, फर्स्ट इंडियन नेवी, है ना, फर्स्ट इंडियन नेवी का ये एक्सरसाइज है, ईयू नव फोर, यानी यूरोपियन यूनियन नेवल फोर्स एक्सरसाइज, जो कि कहाँ हुआ है, कंडक्ट हो चुका है ना, कहाँ पे, गल्फ ऑफ एडन में। थोड़ा सा डिटेल से समझेंगे, बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, लेकिन एग्जाम से क्या संबंधित है वो जरूर हम देखेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे ये पहली बार हुआ है, इम्पॉर्टेंट है, और यहाँ पे हम देखेंगे जो है कौन कौन पार्टिसिपेट किए हैं, तो इटालियन नेवी, स्पेनिश नेवी और जो है फ्रेंच नेवी ने पार्टिसिपेट किया है। कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि 4 नेवीज ने पार्टिसिपेट किया है, और हम ये देखेंगे क्या 4 कह सकते हैं, और पार्टिसिपेशन की बात अगर हम करें तो हम और आगे यूरोपियन यूनियन को भी ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे क्या एक इंपॉर्टेंट चीज जो हमारे लिए नजर आ रही है, उद्देश्य क्या है, क्या कोशिश कर रहे हैं, क्या प्रयास कर रहे हैं ये? तो भाई प्रयास कर रहे हैं क्या, वॉर फाइटिंग स्किल को जो है इन्हांस करने की। याद रखोगे वॉर फाइटिंग जो स्किल है इसको एनहांस करने की बात की जा रही है, एकदम इम्पॉर्टेंट। साथ ही साथ ये जो है एबिलिटी बूस्ट कर रहे हैं, यानी जो अपनी क्षमता है इसको बढ़ाएंगे, किस मैटर में, एज अ इंटीग्रेटेड जो है फोर्स, यानी एक फोर्स बन के ये काम करेंगे। क्यों ऐसा कर रहे हैं ये हम लोग देखेंगे, है ना। तो अभी क्या है, ऐसा करने से क्या प्रमोट करेंगे, तो भाई प्रमोट तो वही है ना, जब भी कुछ इस तरह की एक्सरसाइज होती है, होती वो मिलिट्री एक्सरसाइज है ना, लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं, पीस, सिक्योरिटी, स्टेबलिस्ट जो है स्टेबिलिटी, ये सब हमारा मेन एजेंडा होता है। तो ये भी यहाँ पे भी एजेंडा है। अब सिंपल सी बात है, अपनी कंट्री में पीस बनाए रखने के लिए, अपनी कंट्री की सिक्योरिटी को बूस्ट करने के लिए, है ना, स्टेबल रखने के लिए, क्या चीज, जो मैरिटाइम हमारा एरिया है, यानी जो समुद्री क्षेत्र है ना, यहाँ पे इस तरह की चीज़ों को करना बहुत अनिवार्य है। आगे बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट, यहाँ पे देखते हैं क्या कि ये जो ईयू नव फोर्स है जहाँ पे इंडियन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इंडियन नेवी पार्टिसिपेट कर रही है, ठीक है। तो मेनली अगर हम बात करें तो मेनली जो इश्यू निकल के आता है क्या है, वो आप देख सकते हो काउंटर पायरेसी ऑपरेशन, ये जो पायरेसी ऑपरेशन होता है ना इसको काउंटर करना एक मेन उद्देश्य है इंडियन नेवी का, समझ गए, क्योंकि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है समुद्र क्षेत्र से अपना बचाव करना अगर कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं, क्योंकि आपको पता है मैं कल ही बताई थी कि हमारे बहुत सारे स्टेट जो है वो आपके समुद्री रीजन को जो है टच करते हैं, पूरा हमारा साउथ इंडिया पेनिनसुला रीजन पूरा उधर जो है समुद्र से घिरा हुआ, तो ये एकदम इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। अच्छा इस जो है एक्सरसाइज को कंडक्ट करने में यूएन का जो ये प्रोग्राम है ना, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, ठीक है, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम,
ये भी एजेंडा सर्व किया जाएगा, क्योंकि जो है इस तरह की चीज़ों को करने में, इस तरह की जो पायरेसी को रोकना, स्टेबिलिटी जो एस्टेब्लिशमेंट को ठीक ठाक करना, सिक्योरिटी बूस्ट करना, ठीक है, ये इस प्रोग्राम का पार्ट है। तो अगर इसके पार्ट को हम यहाँ एड्रेस करें तो हम लिख सकते हैं, हम बता सकते हैं कि ये क्या है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को भी क्या कर रहा है, ये जो है प्रोटेक्शन करने की बात कर रहा है और आगे बढ़ाने की बात कर रहा है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे हम क्या कि ये जो हमारा ये यू नव फोर्स प्रोग्राम है, इसकी जो है रेगुलर हम कह सकते हैं कि एनुअली इंटरेक्शन यानी मीटिंग हम कह सकते हैं ये होगी, किसके द्वारा होगी, ये शेड के द्वारा होगी, यानी शेयर्ड अवेयरनेस एंड डी कॉन्फ्लिक्शन, इनके द्वारा जो है इंटरेक्शन का काम, यानी हम कह सकते हैं कि मीटिंग का काम हो सकता है। और ये कहाँ होगा, एनुअली होगा, कहाँ होगा, बहरीन में होगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं नेक्स्ट। अब देखिए गल्फ ऑफ एडन जो कि अब तो न्यूज़ में आ गया ना, तो क्वेश्चन बनेंगे, तो थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, मैप के साथ भी देखेंगे, पहले फैक्ट देख लेते हैं फिर मैप देख लेंगे। तो देखो ये जो है यहाँ पे हम देख सकते हैं क्या कि ये जो एक्सरसाइज एडन में किया गया है, तो गल्फ ऑफ एडन का दूसरा नाम क्या होता है, गल्फ ऑफ जो है आप याद रखोगे क्या, बेरबरा, याद रखोगे गल्फ ऑफ बेरबरा भी नाम किसका है, एडन का नाम है। अच्छा ये किसके बीच में है, तो हम यहाँ देखेंगे ये डीपर वाटर ऑब्वियस सी बात है, और डीपर वाटर गल्फ है ये, बिटवीन किसके, यमन, नॉर्थ में इसके यमन है, एंड जो है हम कह सकते हैं सऊदी अरेबियन रीजन में, सऊदी अरब सागर में, नॉर्थ में इसके कौन सा है, यमन है, एंड अगर हम बात करें ईस्ट में तो आप देख सकते हो जिबूती है ना, वेस्ट में है। और हम बात करें क्या, तो हम देख सकते हैं यहाँ पे जो है सोकोर्ता जो कि चैनल है, ठीक है, कहाँ का, यमन का है, ठीक है, एंड हम देखेंगे सोमालिया, तो ये सब जो है साउथ में, तो ये पूरी तरह से इनके बीच में सराउंडेड है, मैप से देखोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए ये कनेक्ट करता है गल्फ ऑफ बरबरा यानी गल्फ ऑफ एडन कनेक्ट करने का काम करता है किसको, रेड सी को, ठीक है, रेड सी को, और हम कह सकते हैं किसको ये कनेक्ट करने का काम करता है, अरेबियन सी से, किसके द्वारा, तो आप देख सकते हो बेब अल जो है मंदेव स्ट्रेट के द्वारा, यानी ये जो स्ट्रेट है, ठीक है, इसके द्वारा जो है इस दोनों को ऐड करने का काम किया जाता है। ये आप देखोगे इन बहुत सारे फैक्ट निकल के आएंगे, यहाँ पे आप मैप से नोटिस कर सकते हो, मैप से देख सकते हो, ये आपका देखो रेड सी है, ये गल्फ ऑफ एडन है, ये अरेबियन सी है, तो गल्फ, ये देखो रेड सी को कनेक्ट कर रहा है ना अरेबियन सी, गल्फ ऑफ एडन ही कर रहा है, लेकिन बीच में एक स्टेट भी आ रहा है ना, तो यही बात ये बताई, यहाँ देखो जिबूती का लोकेशन यहाँ पे, यमन इधर है, ठीक है, इस साइड में अरेबियन सी तो पढ़ ही जा रहा है, ठीक है, इधर सोमालिया है, ये दिख रहा है आपको सोमालिया है इधर, ठीक है, तो यही पूरा मैप है, आपको याद रखना है कि किस तरह से यहाँ पे, यहीं पे कंडक्ट किया गया है साइज, ये इंपॉर्टेंट रीजन, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट, हमारे लिए क्या है इंटीग्रेटेड, देख सकते हो आप जो है थ्रेट कमांड्स आप देख सकते हो यहाँ पे, तो भाई क्या है हमारे लिए इम्पोर्टेंस क्या है और क्या है इसको देख लेते हैं हम। तो देखो भाई अगर मान लीजिए कि इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो यूनिफाइड तरीके से यानी पूरी तरह से मिल करके यूनिफाइड तरीके से, ना इंडिविजुअल बल्कि जो है एक सिंगल बॉडी बन करके ज्योग्राफिकल एरिया को प्रोटेक्ट करना, स्ट्रैटेजिकली प्रोटेक्ट करना, सिक्योरिटी कंसर्न्स को ध्यान में रखते हुए, ये एक बड़ा उद्देश्य है। और इसमें ऐसा नहीं कि सिर्फ नेवल है तो नेवल पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि इंटीग्रेटेड बात करें ना, यानी आर्मी भी पार्टिसिपेट करेंगे, एयरफोर्स भी पार्टिसिपेट करेंगे और नेवी भी पार्टिसिपेट करेगी, यानी एकदम यूनिफाइड तरीके से जो है पार्टिसिपेट करने की बात की गई है, इसीलिए यहाँ पे दिखाया गया नेवी, आर्मी और एयरफोर्स, है ना। चलो आगे बात करेंगे, चलिए अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्या है, थोड़ा सा और इसको देख लेते हैं। तो अगर हम बात करें तो ये तीनों के तीनों कमांडर यहाँ पे मिलकर के काम करेंगे, लेकिन इंडिविजुअली सर्विस नहीं करेंगे, मतलब ऐसा नहीं कि एयरफोर्स बोले कि भाई हम तो अपना काम कर लिए, है ना, वैसा नहीं, मतलब तीनों जो है इक्वली अकाउंटेबल है, ग्रुप में अकाउंटेबल है, ये आप याद रखोगे। अच्छा हमारे यहाँ जो बात हम कर रहे हैं, ये जो हमारा अपना प्लानिंग की हम बात करें, तो हमारे यहाँ एक कमेटी का रिकमेंडेशन था, कमेटी जरूर याद रखोगे, है ना आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसीलिए बहुत डिटेल से इसको जो है वो पॉइंट खोज खोज के लाई हूँ, ताकि आपकी सारी की सारी जो चीज़ें कंप्लीट हो जाएं, याद रखोगे। दी आप देख सकते हो सेक्टर कमिटी, इनका रिकमेंडेशन था कि तीनों की तीनों जो हमारी विंग्स हैं सिक्योरिटी कंसर्न्स
को ध्यान में रखते हुए इन तीनों को जो है इक्वली पार्टिसिपेट करना है, सेम टाइप से पार्टिसिपेट करना है। और हमारे जो पड़ोसी देश पाकिस्तान और चाइना के साथ जो हमारा बॉर्डर डिस्प्यूट्स है, ठीक है, और चाइना के साथ तो खैर हमारा जो है कुछ मेडिटेरियन क्षेत्र में भी हम क्वाड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और बहुत सारा बॉर्डर डिस्प्यूट, इवन बॉर्डर डिफाइन ही नहीं है इंडिया चाइना के बीच में। चलो पाकिस्तान के साथ तो फिर भी हमारा बॉर्डर डिफाइन है, इनके साथ तो बॉर्डर डिफाइन नहीं है। तो इन चीज़ों को काउंटर करने में ये हेल्प करेगा, याद रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चलिए अब कुछ एमसीक्यू जो हम लोग वहाँ पे आर्टिकल के तहत नहीं कर पाए उसको एमसीक्यू के रूप में करेंगे। अब आप मुझे बताओगे, यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो है क्या है, ईयू नव4 यानी यूरोपियन यूनियन नेवल फोर्स जो कि रेगुलरली इंटरेक्शन करेंगे किसके द्वारा, सैड के साथ मिलकर के, सैड के द्वारा जो है ये क्या करेंगे, इंटरेक्शन करेंगे। तो सैड का फुल फॉर्म क्या है ये आपको मुझे बताना है, ठीक है। सैड का जो है फुल फॉर्म बताना है क्या होगा, सम अटलांटिक एंड डी कॉन्फ्लिक्शन, शेयर्ड अवेयरनेस एंड डी कॉन्फ्लिक्शन, एंड उसके बाद है सोर्स अल्टरनेटिव, एंड उसके बाद है शेयर अटलांटिक, आपको बताना है क्या होगा, क्या होगा इसका आंसर। तो यहाँ पे आंसर मुझे बताएंगे, ओके, यहाँ पे आंसर आ चुका है। चलिए यहाँ पे आंसर आ चुका है 2, है ना, तो वेरी गुड। चलो इसका आंसर होगा भाई 2 ही होगा, याद रखोगे, क्योंकि फुल फॉर्म आपके लिए एग्जाम में बन गया, नया क्वेश्चन आ गया मार्केट में आपके लिए, है ना। तो देखो जो भी एक्सरसाइज होंगी वो आपके लिए तो नया क्वेश्चन ही लॉन्च होगा ना। चलिए तो सही है, अब आगे बात कर लेते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट बात कर लेते हैं, क्या है क्वेश्चन। देखो फिर से पोल आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं क्या करूं, है ना। तो अब यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज द ट्रू अबाउट बहरीन, तो बहरीन के बारे में क्या सच है, क्या सही है आपको बताना है। बोला गया है बहरीन जो है वो स्मॉल, हम कह सकते हैं कि अरब स्टेट में सिचुएटेड है, जो है कोस्टल रीजन में, ये आपको बताना है, ठीक है। बताया गया है यहाँ पे कि बहरीन स्मॉल अरब स्टेट सिचुएटेड इन अ बे ऑन द साउथ वेस्टर्न कोस्ट ऑफ द प्रशियन गल्फ, है ना। बताया गया है कि फारस की खाड़ी यानी प्रशियन गल्फ में जो है ये स्थित है, छोटे छोटे ये हम कह सकते हैं पार्ट में। और दूसरा बोला गया है इट इज़ एन आर्किपेलागो कंसिस्टिंग ऑफ अ बहरीन आइलैंड्स एंड सम 50 स्मॉलर आइलैंड्स। बताया गया है कि 50 जो है द्वीप समूह हैं जो बिखरे पड़े हुए हैं, ये आपको बताना है। और तीसरा है क्या कि इट्स नेम इज फॉर्म द अरबिक टर्म अल बहरान, जिसका मतलब होता है दो समुद्र, टू सी, आपको बताना है कि इसका जो नाम है वो कैसे लिया गया है, अरबिक टर्म है अल बहरान, इसका जिसका मतलब होता है दो समुद्र दो सी, है ना। और साथ ही साथ बोला गया कि ये 50 आइलैंड्स का ग्रुप है जो बिखरा हुआ है, ये बोला गया है। और तीसरा बोला गया है सिचुएशन बताया गया कि ये कहाँ पे सिचुएटेड है, तो ये बताया गया प्रशियन गल्फ में, है ना, ये आपको बताना है कि क्या सही है। चौथा ऑप्शन है 1 एंड 3, तो क्या होगा आंसर। चलिए तो इसका आंसर कर रहे हो, देखो चलो मैं बता ही दूँ, देखो ये बात सही है, ये जो नाम लिया गया है ये बिल्कुल सही है, अल बहरान, है ना, जिसका अर्थ होता है दो समुद्र, तो नाम बिल्कुल सही है। अच्छा ये यहीं पे सिचुएटेड है, बिल्कुल समझ गए, ये अरब स्टेट के पास ही सिचुएटेड है भाई, छोटे से ये में, आप गल्फ ऑफ प्रशियन में, अभी आपने मैप देखा, तो ये पॉइंट भी बिल्कुल जो है क्या है सही है यहाँ पे, ठीक है। अब ये पॉइंट आ रहा है निकल के 50, तो 50 नहीं बल्कि 30 है, ये सच में 30 आइलैंड का क्या है ग्रुप है जो बिल्कुल स्कैटर्ड है, तो ये वाला ऑप्शन क्या हो गया अपना गलत हो गया। तो दो ऑप्शन गलत हो गया, तो इस लिहाज से 4 ऑप्शन जो कि 1 एंड 3 वो क्या है सही साबित होता है, याद रखोगे। चलिए कोई बात नहीं नैनीत राहुल जी, ठीक है, मैं क्या करूं, रहने दीजिए, वो करते रहिए, इधर भी देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात कर लेते हैं, गल्फ ऑफ जो एडन है अल्सो नॉन एज, गल्फ ऑफ एडन को और क्या बोलते हैं, आप बताओगे मुझे, बारबेरा, उसके बाद आप मुझे बताओगे तजदुरा और बेब अल मंदेव और ऑल, क्या है नाम बताओगे मुझे, क्या है मुझे नाम बताओ बाबा जल्दी से। तो अभी तो पढ़ा आपने, ओह माय गॉड, अगेन अगेन फुल, है ना, तो ये होगा आंसर, याद रखोगे। चलिए 3 नंबर का आंसर ये हो गया, 4 नंबर की बात कर लेते हैं, तो 4 नंबर का हमारा क्या होगा, क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडियन नेवी शिप विच पार्टिसिपेटेड इन, जो है विच पार्टिसिपेटेड इन, आप देख सकते हैं ईयू नव4 यानी यूरोपियन यूनियन नेवल फोर्स में जो पार्टिसिपेट किए थे उस भारतीय शिप का नाम क्या, INS त्रिकंद, INS सतपुरा, INS जो है
आप देख सकते हो किरच और आयन है शक्ति। तो किसने पार्टिसिपेट किया था? तो आंसर आ रहा है सभी का, आंसर आ रहा है क्या? चलिए आंसर क्या आ रहा है? तो आंसर हम लोग देख रहे हैं। चलिए अब इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए पोल में, है ना, पोल कराया जाए। यस और नो? देखो भाई डिवाइड हो गए आप लोग, 75 और 25 में डिवाइड हो गए। ठीक है चलो कोई नहीं, ठीक है तो इसका आंसर सही है सबका। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं, एक्सरसाइज जो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा क्या है एक्सरसाइज, आप देख सकते हो जल अर अल जो है बहरान, आप देख सकते हो ज्वाइंट मैरिटाइम एक्सरसाइज बिटवीन नेवी ऑफ इंडिया एंड डैश बताना है। दूसरे एक्सरसाइज का नाम है एक्सरसाइज जर अल बहरान, सॉरी बहर है, एक्सक्यूज मी। ये जो है ज्वाइंट मैरिटाइम एक्सरसाइज है किसके बीच में? इंडियन नेवी और जो है कौन सी कंट्री, आपको बताना है कतर, फ्रांस, बहरीन और यूरोपियन यूनियन। बताओ मुझे क्या होगा इसका आंसर? यूरोपियन यूनियन, बहरीन, फ्रांस, कतर। क्या होगा आंसर? तो इसका आंसर होगा, इसका आंसर गलत कर रहे हो, इसका आंसर होगा कतर, याद रखोगे है ना, लेकिन इसी रीजन में है ना तो याद रखोगे। ये दोनों ही नेवी एक्सरसाइज है ना, ये वाली नेवी एक्सरसाइज हुई और ये भी नेवी एक्सरसाइज है, इसीलिए मैं इसको ज्वाइन करके लाई ताकि आप याद कर पाओ। ठीक है चलिए आगे बात कर लेते हैं, हम नेक्स्ट बात करते हैं। अब स्टैटिक एमसीक्यू का आंसर करोगे मुझे क्या है भाई क्वेश्चन? पहला नंबर क्वेश्चन है क्या बताओगे आप? देखो स्ट्रिप हेयर स्ट्रिक एंड जो है एक्सक्लूसिव प्रिंस आर दी रिसेंटली डिस्कवर्ड स्पेसिस ऑफ विच क्रिएचर्स, आपको बताना है। जो है आप देखो यहाँ पे लिखा हुआ स्ट्रिप्ड है ना, और दूसरा क्या है, दूसरा आप देख सकते हो क्या जो है आपके सामने स्ट्रिप्ड हेयर स्ट्रिक एंड एक्सक्लूसिव, ठीक है प्रिंस, ये याद रखोगे। ये किस स्पेसीज, ये कौन सी स्पेसीज है जो रिसेंटली अभी फाइंड आउट की गई, कौन से क्रिएचर मैंने कौन से जीव का जो है ये हम कह सकते हैं स्पेसीज है जो अभी रिसेंटली फाइंड आउट किया गया, टर्टल है, स्नेक है या बटरफ्लाई है या आप देख सकते हैं स्पाइडर है, यानी कछुआ, सांप, तितली या स्पाइडर, क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा आंसर? इज व्हाट आंसर इज वन? नो बाबा नो, मतलब मैं क्या बताऊँ आपको, जो है क्रोकोडाइल, और कल पढ़ा रही थी आपको जो है टर्टल के बारे में, तो वही होगा नहीं है ना, तितली उड़ी वाला भी कुछ सिस्टम चलता है ना, बटरफ्लाई का ये है, तो याद रखोगे ठीक है, ये जो है याद रखोगे, दो है ठीक है, तो ये बटरफ्लाई का है याद रखोगे। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, हाउ मैनी इंडियन, हाउ एक्सक्यूज मी, हाउ मैनी इंडियन बीचेस हैव बीन रिकमेंडेड बाय द यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्ट्री फॉर ब्लू फ्लैग इंटरनेशनल इको लैब, आपको बता लेबल आपको बताना है कि कितने समुद्र को जो है इंटरनेशनल इको लेबल है ना, ब्लू फ्लैग जो है कितने समुद्र को दिया जा चुका है हमारी यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा, आपको बताना है कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा ब्लू फ्लैग जो है इको लेबल जो है वो कितने समुद्र तटों को दिया जा चुका है? 2, 4, 6, 8 बताओगे तो इसका आंसर क्या होगा? चलिए तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8, ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर 3 नंबर की बात कर लेते हैं हम। इंडियाज फर्स्ट, आप देखोगे यहाँ पे लिखा हुआ ड्रैगन फ्लाई फॉसिल्स वॉज फाउंड इन विच स्टेट रिसेंटली, आपको बताना है क्या कि भारत का पहला है ना ड्रैगन फ्लाई जीवाश्म हाल में किस राज्य में पाया गया था? तो आप मुझे बताओगे उत्तर प्रदेश, अंडमान एंड निकोबार, झारखंड एंड मध्य प्रदेश, तो क्या होगा? तो इसका आंसर करने वाले हैं आप लोग बिल्कुल झारखंड होना चाहिए इसका आंसर। ठीक है नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग, 4 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 4 नंबर क्वेश्चन है क्या, आप देखो पन्ना बायोस्फेयर रिजर्व है ना विच इज सीन इन न्यूज रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच स्टेट, आपको बताना है क्या कि जो पन्ना पन्ना बायोस्फेयर रिजर्व है ना वो रिसेंटली न्यूज में था, ये कहाँ सिचुएटेड है आप मुझे बताओगे? आंसर क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है एमपी। चलिए
पांच नंबर देखो बार बार पोल लगा रहा है तो मैं नाम भी नहीं देख पा रही हूँ आप सभी का, है ना। प्रॉब्लम इज दैट कि मैं देख नहीं पा रही हूँ ज़्यादा, और बार बार पोल है स्क्रीन पे। चलिए अब यहाँ पे देख रही हूँ पांच नंबर क्वेश्चन क्या है, आप मुझे बताओगे व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडिजिनस, है ना, एंटी जो है आप देख सकते हो इंडिजिनस ट्राइपिडो डिऑक्स सिस्टम, है ना, ये आपको बताना है। इंडिजिनस एंटी ट्राइपिडो डिऑक्स सिस्टम दैट हैज बीन इंक्लूडेड बाय इंडियन नेवी, तो ये आपको बताना है क्या है। मरीच, और उसके बाद है रावण, उसके बाद अभिमन्यु और लक्ष्मण, आपको बताना है। स्वदेशी है ये एंटी ट्राइपिडो जो है ये सिस्टम भारतीय नौसेना ने अपहोल्ड किया है, आप मुझे बताओगे। कोई बात नहीं, मैं भी पोल के कारण ना आपका मैसेज देख पा रही हूँ ना आपका नाम ले पा रही हूँ, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, 5 का 1, है ना, मरीच याद रखोगे। चलो बहुत बढ़िया आंसर आ गया था अभिषेक जायसवाल का। चलो तो ये दीज आर दी आंसर दैट आई हैड मेंशन हियर। चलो अब ये क्वेश्चन है, अब इसका आंसर आप मुझे करोगे, आप ये क्वेश्चन है आप इसका स्नैपशॉट ले लो और इसका आंसर करोगे मुझे। इजी सवाल है, सवाल बड़ा है लेकिन सवाल इजी है। चलिए ये हो गया, और ये हमारी अगर हम बात करें तो आप देख सकते हो क्या ये टेस्ट सीरीज जो कि बिल्कुल आपके लिए है ना। चलो आंसर मैं देख रही हूँ, अच्छा मोहित शर्मा जी आपको पोल नहीं दिखाई दे रहा है क्या, तो ये चैट में ही आ जा रहा है पोल, तो चैट में अगर आप हैं चैट में तो एक्टिव हैं ही तो पोल दिखना चाहिए। चलो ठीक है कोई बात नहीं, पोल भी जरूरी है, सब जरूरी है, ठीक है। चलो अगर हम बात करें नेक्स्ट नेक्स्ट बात करें पोल से, कुछ लोग बहुत परेशान हो गए भाई। चलिए तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं, देखो नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, ये आपको मैं बता दूं कि ई टेस्ट बुक है ना, यूपी SSSC PET के लिए मॉक टेस्ट, इसमें आप इनरोल कर सकते हो, दोनों भाषा में उपलब्ध है, तैयारी बूस्ट करने के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। और हमारे साथ बने रहने के लिए सभी को थैंक यू।